और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी। बीजेपी के इन आरोपों को लेकर मुकेश गोयल ने सफाई दी है। ये वीडियो कब का है ये वो लोग बताएंगे। ये मुकेश गोयल की तरफ से सफाई की गई दी गई है। मुकेश गोयल जिसे राइट हैंड अरविंद केजरीवाल का बीजेपी बता रहे हैं और उन्हीं से जुड़ा ये स्टिंग उजागर किया है और इन तमाम आरोपों पर मुकेश गोयल की तरफ से सफाई दी गई है। वीडियो कब का है ये वो लोग बताएंगे, ये बात कही गई है मुकेश गोयल की तरफ से। तो एमपी चुनाव को लेकर देखिए किस तरह से लगातार सियासत तेज है। पार्टी ने एक ऑडियो जारी किया जो कि फर्जी ऑडियो है और जो क्लिपिंग ली गई है वो भी एडिट करके इधर उधर से इकट्ठी की गई है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 वर्षों में जो नगर निगम का भ्रष्टाचार है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मुझे अपने बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं लगभग 35-40 वर्षों से दिल्ली की राजनीति में हूँ और 25 वर्ष से मैं नगर निगम के अंदर हूँ। मैंने विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है, मेरे ऊपर आज तक एक पैसे की उंगली नहीं उठी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज चुनाव के अंदर अपनी हार दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बन रही है और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इस तरह से हम लोगों की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली की जनता जो इनका 15 साल का भ्रष्टाचार है उनसे तंग आ चुकी है और इसी वजह से ये हम लोगों पे अनाप शनाप आरोप लगाते रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये फर्जी वीडियो और ऑडियो आज संबित पात्रा जी ने लगभग आधा घंटे तक लच्छेदार भाषण देकर, लच्छेदार ऐसे जैसे वो वहीं बैठे हुए थे जो सारी चर्चाएं हो रही थी, शायद मुझे ऐसा लगता है वो मैं वहीं बैठे हुए थे, वहीं बैठे बैठे सारे उनके सामने स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। तो ऐसी बात यदि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में आपको पता है कि हर बार करती रहती है। निगम का चुनाव 100% आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और मैं अपनी किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं। और मैं साथ ही साथ संबित पात्रा जी पे और उनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर मुकेश गोयल की तरफ से पूरे मामले को लेकर सफाई दी गई है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले में वो केस दर्ज कराएंगे। अमित पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, मामला क्या नजर आ रहा है? जिस तरह से स्टिंग की बात बीजेपी की तरफ से की गई है, टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है और मुकेश गोयल साफ तौर पर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो इस मामले में बीजेपी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। हाँ देखिए पूजा, ये टिकट बेचने का मामला नहीं है। दरअसल ये मामला जिस तरह मुकेश गोयल बता रहे हैं कि पुराना मामला है और बीजेपी ने एक स्टिंग जारी किया है जिस पर यह आरोप लगाया है कि जो मुकेश गोयल हैं वो किसी एक इंजीनियर से 1 करोड़ रुपए लेने की बात कर रहे हैं। तो वो स्टिंग जारी किया गया है जिस पर मुकेश गोयल खुद सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि ये जो स्टिंग जारी किया गया है ये पूरी तरह से फर्जी स्टिंग है और इसमें कई सारे एडिट किए गए हैं, शब्दों को जोड़ा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसी भी एजेंसी से अगर इस मामले की जांच कराना चाहती है तो करा ले, अगर आपको लगता है कि इसमें मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली हुई है ऐसे में इस तरह के स्टिंग जारी किया जा रहा है। और ये मामला कब का है जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी से पूछे कि आखिर ये मामला कब का, ये स्टिंग उन्होंने कब बनाया था, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो काफी पुराना है और जैसे हमें पता है कि मुकेश गोयल जो है पिछले साल जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उससे पहले वो कांग्रेस में थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अब वो मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो संबित पात्रा पर इस मामले पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, जब इलेक्शन का समय है और तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो दौड़ है वो शुरू हो गया, एक के बाद एक दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। अब एमसीडी का चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टिकट बेचने का मामला चल ही रहा है और अब दूसरा ये मामला स्टिंग के जरिए बीजेपी आपको घेरने की कोशिश कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित। इस तमाम
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।